हेलो मित्रों, राजस्थान जीके क्विज में आपका जोरदार स्वागत है। और मैं एक बार फिर से जीके क्विज लेके आया हूँ। पिछवाई नाथ द्वारा शैली में श्रीनाथ जी आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं, तो बताइए जोशी परिवार के दोनों भाई के टैकजी व मुकुंद जी ने पड़ शैली के भित्ति चित्र एम पिछवाइयों का निर्माण कब से प्रारंभ किया था? 1850 से। क्लॉट आर्ट के प्रणेता कौन है? श्री कैलाश जी डांगोटिया क्लॉट आर्ट के क्लॉथ आर्ट के प्रणेता कहलाते हैं। जैन चित्रशैली का प्रमुख चितेरा या प्रसिद्ध चितेरा कौन था? कैलाश चंद शर्मा। किसको भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा गया है? शेखावटी को भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। अब राजस्थान में रीति रिवाज, नया मकान बनाने या उसके उद्घाटन की रस्म नांगल कहलाती है, आप सबको पता है। वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? कहार जाति के लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं। नाक से संबंधित आभूषण चोप होता है। मुरकिया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? मुरकिया कान का आभूषण है मित्रों, कहाँ का है? कान का। हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को हम अर्सी कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्सी कहा जाता है। राजस्थान में सुरलिया कान में पहना जाने वाला आभूषण है, कहाँ पे पहना जाता है? कान में। शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु कन्या और युवक के लिए कन्या के लिए 18 और युवक के लिए 21 साल की तय की गई थी, ठीक है। 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उपनयन संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है, कौन से संस्कार के पश्चात? उपनयन। आत्म सुख से आशय है, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र आत्म सुख कहलाता है। आत्म सुख से क्या आशय है? तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र। मेमंद क्या है? सिर का आभूषण है, मेमंद एक तरह का सिर का आभूषण है। गौरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है। अमरशाही पगड़ी का एक प्रकार है मित्रों। ठमड़ा नामक वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है, यह ध्यान रखना। हाली प्रथा से आशय है, खेतों व घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूरों को हाली कहा जाता था। अंत्येष्टि संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है, अंत्येष्टि। मोसर क्या है? मौत के समय किया जाने वाला भोजन, यानी कि राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा जो चली जाती है उसे क्या कहते हैं? मोसर। घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तित करने ते हैं, यानी कि घर से शमशान तक अगर अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन की गई हो तो वो क्या कहलाता है? आधेटा। क्या कहलाता है? आधेटा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन राब कहलाता है। क्या कहलाता है? राब। जो के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन राब कहलाता है। जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, इसको डावड़ी नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? डावड़ी। तोरण मारना किसका प्रतीक है? विजय का और शक्ति का। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? गोला। क्या कहा जाता था? गोला। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार विवाह के संस्कार है, यानी विवाह के एक प्रकार, इनका जो संबंध है लीला और मेरिया का वो विवाह से संबंध है आदिवासी लोगों में। कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं होता है? नांगल नहीं होता है, बाकी तो बहुत सारे तो होते हैं। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, अविवाहित युवतियों द्वारा आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। विवाह से संबंधित रस्म क्या है? कांकन डोरड़ा, पहरावणी और बड़ी पड़ला। कांकन डोरा जब दुल्हन बनती है तो उसके बंदिया को और उनको बांधा जाता है एक डोरी में, ठीक है। पहरावणी क्या होती है? जो कि आपके जो दुल्हन जो लड़के की माँ के ससुराल पियर वाले
और लड़के की जो भी है रिश्तेदार वाले जब उसके लिए कुछ कपड़े लाते हैं शादी में उसके पापा के लिए उसके परिवार के लिए, वो पैरावनी कहलाती है। बरी पड़ला क्या होता है? जब लड़के वाले लड़की के लिए शादी से पहले यानी फेरे खाने से पहले जो सामग्री धन जो जो बेस जेवर वगैरह देते हैं वो बरली बरी पड़ला कहलाता है। राजस्थान में जलवा पूजन बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद पश्चात होता है जिसे हम सूरज भी बुलाते हैं। परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा की पहचान कौन सी है? साफा। राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या है? हाली प्रथा है। अब हाली प्रथा को ही हम लोग सागड़ी प्रथा बुलाते हैं। राजस्थान में रीति रिवाज परंपराएं और वेशभूषा क्या क्या है? निम्न में से 16 संस्कारों में श्राद्ध संस्कार जो होता है श्राद्ध संस्कार वो किसी भी मायने में शामिल नहीं किया जाता है। बालक के जन्म पर जो संस्कार किया जाता है वो जातक्रम संस्कार होता है। शिशु जन्म से पूर्व कभी भी निष्क्रमण संस्कार नहीं किया जाता शिशु का, ठीक है। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इस क्रिया को फूल चुनना कहते हैं। जहां पर जो मृतक की जो बची हुई राख होती है उसमें उनके जो फूल होते हैं दांत जो भी हड्डियां वगैरह होती उनको ढूंढा जाता है और फिर उनको गंगा जी में हरिद्वार में वहां पर जाके डाल दिया जाता है। तो तीसरे के दिन ही ये सारा काम होता है, वहां से जो फूल चुनना वगैरह किया जाता है। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बरी पाड़ला। क्या कहते हैं? बरी पड़ला। बडार का भोजन विवाह के मौके पर रखा जाता है। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है? उपनयन संस्कार के पश्चात। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? अंत्येष्टि। कौन सा मित्रों? अंत्येष्टि। शरारा क्या है? एक वस्तु है। दशहरे पर पहनी जाने वाली पगड़ी मदिल कहलाती है। राज्य में प्रचलित जीवित मोसर प्रथा को जोसर के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि आदमी जीवित है उसकी मौत का खाना कर दिया जाता है जोसर। महासती किन्हें कहते हैं? जो अपने पति की किसी वस्तु को लेकर सती होती है, यानी कि अपने पति की किसी निशानी को लेकर अनुमरण करती है, करने वाली स्त्रियों को महासती की उपमा देते हैं। स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने पर उन्हें क्या कहते हैं? गोला। कोटा में औरतों व लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय पर जो कर वसूला जाता है उसका नाम है चौथान। अब मित्रों हमारा जो आज का पाठ है वो है राजस्थान में धर्म और संत संप्रदाय। अब हम चलेंगे रीति रिवाज के साथ साथ। तो किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? जाम्बोजी को। किसको? जाम्बोजी को। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ जी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है श्री पीपा जी। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? टोडा में। और संत पीपा का गांव कौन सा है? झालावाड़। ये गागरोन के राजा के बेटे थे राजकुमार संत पीपा। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिस नाम का, लकुलिश जो थे वो पशुपति संप्रदाय के संस्थापक थे। नाथ संप्रदाय की गद्दी जोधपुर में स्थित है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सा है? आपको भी पता है राम स्नेही संप्रदाय ही एकमात्र ऐसा है जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा में अपनी पीठ रखी हुई है। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। श्री कृष्णम शरणम गमः मंत्र किस संप्रदाय का है? वल्लभ संप्रदाय का, क्योंकि आप लोग जानते भी हो वल्लभ दया विठल नाथ हम श्री कृष्ण को ही पुकारते हैं। परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? कुजलम स्वरूप नाम का एक ग्रंथ है जिसमें परनामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित किए गए हैं। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष शंकराचार्य को कहा जाता है। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो प्राणनाथ जी है। प्राणनाथ जी को ही परनामी संप्रदाय का असली प्रवर्तक माना जाता है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्बार्क। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है।
जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? सिंबुधड़ा, किस में? सिंबुधड़ा नामक ग्रंथ में श्री जसनाथ जी के उपदेशों का संग्रहण है। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था विठल नाथ ने, किसने किया था? विठल नाथ ने। अब हम चलेंगे राजस्थान में धर्म और संप्रदाय का पार्ट टू पर। तो ये पूछ रहा है किस स्थान को धूप धारा के नाम से जाना जाता है जो जम्बो जी से संबंधित है? समराथल। समराथल एक ऐसा स्थान है जिसको धूप धारा के नाम से भी जाना जाता है जो कि जम्बो जी से जम्बू जी से संबंधित है। कौन सा स्थान गांव विश्नोई संप्रदाय के लिए पुष्कर की तरह पवित्र तीर्थ स्थल है? विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर की तरह पवित्र तीर्थ स्थल जाम्बा नामक गांव। गोरखमालिया स्थान किस संत से संबंधित है? जसनाथ जी से गोरखमालिया नामक स्थान संबंध रखता है। किस संत ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान अकबर को अपने विचारों से प्रभावित किया था? संत दादू दयाल ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी और अकबर से मुलाकात की थी और अकबर उनके विचारों से काफी प्रभावित हुआ था। जोधपुर के राठौड़ शासक मानसिंह नाथ मत के किस गुरु के अनुयायी हो गए थे? आयस नाथ के, यानी नाथ संप्रदाय के जो गुरु थे आयस नाथ, उनसे जोधपुर के राठौड़ शासक मानसिंह काफी उनके अनुयायी बन गए थे। कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? रामानंदी संप्रदाय निर्गुण भक्ति धारा से कतई संबंध नहीं रखता मित्रों। गुरु नामानंद के शिष्य नहीं थे, निम्बाक जो थे वो खुद अपना एक उन्होंने संप्रदाय बनाया है और वो रामानंदी के शिष्य नहीं थे। किस संप्रदाय का अन्य नाम रामावत संप्रदाय? रामानुज संप्रदाय का ही दूसरा नाम रामावत संप्रदाय है। रामानुज संप्रदाय का ही अन्य नाम रामावत संप्रदाय है। किस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है? रामानंदी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ किसके द्वारा स्थापित की गई थी? परशुराम के द्वारा ही सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ का स्थापित किया गया था। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद का ही दर्शन प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य द्वारा। औरंगजेब के काल में 1669 के एक आदेश द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने के डर से विठलनाथ जी ने के वंशजों गोस्वामी दामोदर जी और गोविंद जी द्वारा राजस्थान में लाई गई प्रतिमा नाथ द्वारा में कब स्थापित की गई थी? फरवरी 1672 में विठलनाथ जी के वंशों द्वारा गोस्वामी दामोदर जी और गोविंद जी द्वारा राजस्थान में लाई गई प्रतिमा नाथ द्वारा में स्थापित कब की गई थी? 1672 में। निम्न में से जो एक मिनट दादू जी एकमात्र संत हैं इन संतों में जब तक पढ़े हैं जिनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है। राजस्थान का कबीर संत दादू द्वारा स्थापित दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? नारायणा जयपुर में स्थित है। तो मित्रों नेक्स्ट जो राजस्थान के प्रमुख मेले हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, क्योंकि इसके बाद मैं आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चंस दूंगा लोक देवताओं के, राजस्थान के प्रमुख मेले, जनरल साइंस के, कंप्यूटर साइंस के, बहुत एसएसटी के, कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत अच्छे सारा मेरे पास क्वेश्चंस बनाए हुए मैंने अपने कंप्यूटर में अपने टाइपिंग के द्वारा। बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत काम आ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड वॉच माई चैनल। थैंक यू एंड गुड नाइट मित्रों।